नमस्कार दोस्तों, शिक्षा करियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट आए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट यानी कि सरकारी TGT टीचर्स की जो है ये परमानेंट वैकेंसी जो है यहां पर आई है। टोटल पदों की अगर बात करें 12,913 यानी कि 12,913 टोटल पद है, जिसमें आपको पे स्केल जो है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक दिया जा रहा है। आप फ्रेशर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में A to Z जानकारी जो है, इस एडवर्टीजमेंट का विश्लेषण एनालिसिस हम करने वाले हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आयु सीमा क्या मांगी गई है, सिलेक्शन का प्रोसेस किस प्रकार से आपका रहने वाला है, एंड यहाँ पे आवेदन फीस आपको कैसे करनी है एंड कितनी करनी है। साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, साथ ही साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो अगर जो है आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, सो अभी हम ऑफिशियल वेब नोटिफिकेशन पर हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट जो है हिंदी की जो वैकेंसी है वो 1742 पद हैं, गणित सब्जेक्ट में वैकेंसी है, और गणित के जो है TGT टीचर यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 1822 पोस्ट है। गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, उर्दू, इंग्लिश, आर्ट यानी कि कला, सोशियोलॉजी यानी कि सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि एंड फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन एंड संगीत गायन। तो ये जो है वो बालक वर्ग है एंड यहाँ पर जो है बालक वर्ग के लिए टोटल 11,400, सो बालिका वर्ग के लिए जो पे वैकेंसी जो है टोटल 1,462 है। एंड सब्जेक्ट जो है आप देख सकते हैं हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन एंड संगीत गायन। तो ये हमने सब्जेक्ट आपको दिखा दिए। अब हम देखते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से आई है। तो ये वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा, एंड यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो 29 अक्टूबर स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि कल से जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे जो अंतिम तिथि है वो 27 नवंबर जो है आपकी रहने वाली है, अगले महीने की। एंड यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर से पहले पहले आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। टोटल 12,913 पदों के लिए जो है ये जो है TGT टीचर्स की जो है वैकेंसी है। एंड यहाँ पे जो है आप जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं जो वैकेंसी है वो घट और बढ़ सकती है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर डाल दूंगा। नाउ अब जो है हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो तदर्क शिक्षक है उनके लिए भी जो है यहाँ पर जो है वैकेंसी है वो भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको आवेदन कैसे करना है, ये डिटेल्स दी गई है। नाउ अब जो है हम यहाँ पर फीस देख लेते हैं। सबसे पहले जो है सामान्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 700 प्लस आपका ऑनलाइन जो प्रोसेस शुल्क है वो 750 टोटल है। EWS कैटेगरी के लिए 450 है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 750 है, अनुसूचित और अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये है एंड अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 250 रुपीज़ है। एंड स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी आश्रित मूल श्रेणी के अनुसार होगी, भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन है तो उसकी भी मूल श्रेणी यानी कि अगर OBC है तो 750 रुपीज़, महिला कैंडिडेट्स के लिए उसकी श्रेणी के आधार पर, विकलांग के लिए जो है वो मान के चले अगर विकलांग OBC कैंडिडेट्स है तो उसका आधा शुल्क जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा 375, ठीक है। नाउ अब जो है हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं आयु सीमा कम से कम जो है वो 21 वर्ष रखी गई है, अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर नहीं है। वेतनमान सैलरी की अगर बात करें तो टोटल 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये जो है यहाँ पर आपको वेतन दिया जाएगा। लेवल 7 और ग्रेड पे आपको यहाँ पर 4600 दिया जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसरित, ठीक है, उसके अनुसार जो है यहाँ पर दी जाएगी। अब यहाँ पर अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक जो है आपने एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी प्राप्त हो जानी चाहिए, ठीक है। परीक्षा केंद्र जो है सभी मंडलों के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। मान के चलिए आप अगर जो है जिस भी जिले से हो और आपका जिला जिस भी मंडल में आता है उसके आधार पर जो है आपको परीक्षा केंद्र दिया जाएगा।
ठीक है, नाउ आप जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भर्ती की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से जो है होने वाली है। तो यहाँ पे जो है भर्ती की जो प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर आपकी होने वाली है। यहाँ पे जो है टोटल लिखित परीक्षा जो है 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र आपका होने वाला है। पर प्रश्न पत्र में टोटल 125 प्रश्न होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंक का आपका होने वाला है। तदर्थ जो शिक्षक है उनके लिए जो है लिखित परीक्षा 465 मार्क्स की होगी, यानी कि टोटल जो अंक है 3.72 जो है उनका एक प्रश्न का होने वाला है। उनके लिए भी 125 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। समय अवधि की अगर बात करें तो 2 घंटे रहने वाली है। बहुविकल्पीय जो है ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है आपको ऑफलाइन ये जो है एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि काले पेन से आपको जो है वो काले बॉल पेन से जो है आपको गोले बनाने हैं, जो OMR सीट आपकी मिलने वाली है। तदर्थ शिक्षक सिविल अपील संख्या ये दिया हुआ है, ये तदर्थ शिक्षकों के लिए है। उनको जो है अधिभार जो एक्स्ट्रा वेटेज उनको दिया जाएगा। एक वर्ष की सेवा के लिए 1.75 अंक दिया एवं अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका चयन हेतु मेरिट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका लिखित परीक्षा सेवा आधारित जो वेटेज है वो बनेगा एंड उसके आधार पर जो है आपका यहाँ पर मेरिट बनने वाली है। नाउ अब जो है यहाँ पे हम ये कुछ शर्तें नियम शर्तें दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब हम मेन मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है अगर आप अभ्यर्थी के उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी आरक्षण श्रेणी अवश्य अंकित करें, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है इन्फॉर्मेशन वो दी गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश से बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर आवेदन आई थिंक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है नाउ अब जो है हम यहाँ पे बात कर, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मान के चलिए अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं लेकिन आप OBC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको यहाँ पर मिलने वाला है। अब जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जो ट्रेंड भी हो ग्रेजुएट ग्रेजुएट हो एंड टीचर, ठीक है। तो कक्षा 9 और 10वीं को पढ़ाने के लिए जो है ये अध्यापकों की भर्ती है एंड यहाँ पे जो है अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार जो है यहाँ पर जो है आपको दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है मेनली आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, प्लस BEd डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। उसके साथ साथ अगर आपने BEd के साथ MEd या PhD भी कर रखा है या कोई राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में आपने भाग लिया हुआ है, प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आपको जो है प्रियोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर जैसे हिंदी के अगर आप जो है टीचर बनना चाहते हैं TGT टीचर, तो BA हिंदी और संस्कृत के साथ आपकी इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष जो है वो डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ प्लस BEd आपकी होनी चाहिए। ऐसे ही गणित में BA अथवा BSc गणित के साथ होनी चाहिए एंड प्रशिक्षण जो है BEd आपकी होनी चाहिए या BEd के समकक्ष डिग्री आपके। गृह विज्ञान, तो यहाँ पे जो है गृह विज्ञान के लिए गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान साइंस या गृह कला होम साइंस आर्ट में जो है आपका एन प्लस BEd आपकी होनी चाहिए एंड या फिर आपके पास गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद की TC अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा आपके पास हो, ठीक है। तो इसी प्रकार आप जो है उर्दू के लिए BA उर्दू विषय के साथ तथा LT या BT या BEd आपकी होनी चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट का जो है मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं। सो मैं एक एक सब्जेक्ट का जो है इसकी PDF जो है वो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर जो है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो नाउ जो है हम देख लेते हैं आपको आवेदन कहाँ पर करना है कैसे करना है। तो ये जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है upsesp.org, यहाँ पर जो है ये दिया गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके सामने जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यस यहाँ पे जो है आपके सामने जो है ये खुल जाएगा। यहाँ पे जो है आप रजिस्ट्रेशन जो है PGT टीचर क्लिक फॉर अप्लाई TGT एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए कोई भी डाउट है आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर या टेलीग्राम ग्रुप जो है मैंने दिया हुआ है उसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं या मेरे जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए थैंक यू।